नमस्कार, तुसे देख रहे हो जोश इंडिया वेब टीवी। नमस्कार, तुसे देख रहे हो जोश इंडिया वेब टीवी पंजाबी दिया खबरां दे नाल, मैं हां गीता सक्सेना। आओ सब तो पहला नजर पाउने आं अज दियां खास खबरां ते। पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने साबका डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा नु नियुक्त किया अपना रणनीतिक सलाहकार। यूपी दे 1 करोड़ नौजवानों नु योगी आदित्यनाथ दा तोहफा, सरकार देवेगी टैबलेट जां स्मार्टफोन। बाइडन प्रशासन ने अफगानिस्तान नु हथियारां दी विक्री ते लगाई रोक। बॉलीवुड निर्देशक दुष्यंत प्रताप हॉलीवुड फिल्म दा करनगे निर्देशन, श्रीलंका तो शुरू होवेगी फिल्म दी शूटिंग। ते हुण पेश है खबरां दा विस्तार। पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने साबका डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा नु अपना रणनीतिक सलाहकार नियुक्त किया, जबकि इस तो पहला नवजोत सिंह सिद्धू ने मुस्तफा नु अपना सलाहकार बनाया सी, पर मुस्तफा ने ए ओहदा ठुकरा दिता सी। साबका डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू दे मुख रणनीतिक सलाहकार बन गए हैं। इस संबंधी एक आदेश जारी करदिया नवजोत सिंह सिद्धू ने इसकी कॉपी उन्होंने ते उन्हां दी पत्नी रजिया सुल्ताना नूं सौंपी ते ट्वीट करके इसकी जानकारी दी सी। दस दईए कि कुछ दिन पहला ही नवजोत सिंह सिद्धू ने 4 सलाहकारां दी नियुक्ति की सी, जिस विच मोहम्मद मुस्तफा का नाम भी सी, पर मुस्तफा ने यह कह के सलाहकार बनने तो इनकार कर दिता सी कि वह इन्हां कम्मां लई नहीं हन। मानसून सैशन के आखिरी दिन पूरक बजट ते चर्चा दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खास करके नौजवानों के लिए तोहफियां की बरसात की, ऐलान किया कि 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट या स्मार्टफोन दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चोणां तो कुछ महीने पहला लियांदे गए पूरक बजट दे नाल योगी सरकार ने ना सिर्फ अपने चोण मनोरथ पत्र दे कुछ बाकी बचे वादियां नूं पूरा करन वल कदम अगे वधाया है, बल्कि चुनावी बाजी भी खेडी है। मानसून सैशन के आखिरी दिन पूरक बजट की चर्चा दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खास करके नौजवानों के लिए तोहफियां की बरसात की। उन्होंने ऐलान किया कि 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट या स्मार्टफोन दिए जाएंगे। प्रतियोगी विद्यार्थियों को 3 परीक्षाओं का पत्ता भी दिया जाएगा ते संस्कृत के विद्यार्थियों लिए वजीफे की व्यवस्था भी की गई है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे तो बाद अमरीकी सरकार ने तालिबान को घेरना शुरू कर दिया है। अमरीकी सरकार ने अफगानिस्तान की नवी तालिबान सरकार को हथियारों की बिक्री की रोक लगा दी है। IMF ने तालिबान सरकार को कर्जा देने तो इनकार कर दिया है। अफगानिस्तान ते तालिबान के कब्जे तो बाद अमरीकी सरकार ने तालिबान नू घेरना शुरू कर दिता है। इस तो पहला अमरीका ने अफगानिस्तान के द अफगान बैंक के करीब 9.5 अरब डॉलर की संपत्ति जब्त कर ली सी, जदों के हुन अमरीकी सरकार ने अफगानिस्तान की नवी तालिबान सरकार नू हथियारों की बिक्री ते पाबंदी लगा दी है। बाइडन प्रशासन ने बुधवार नू अफगान सरकार के सारे हथियारों की बिक्री नू मुअत्तल कर दिता। इस तो इलावा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा फंड IMF ने कहा है कि अफगानिस्तान विच नवी तालिबान सरकार नू मौजूदा समय 190 देशों के उधार देन वाले संगठन तो कर्जिया जां होर स्रोतों तक पहुंच दी आग्या नहीं दी जाएगी। रिपोर्ट अनुसार तालिबान दे देश उत्ते कब्जा करन दे बाद तो 15,000 अमरीकी अफगानिस्तान विच ही रह गए हन। बॉलीवुड निर्देशक दुष्यंत प्रताप हुन हॉलीवुड फिल्म इरैडिकेटेड दा निर्देशन करन जा रहे। फिल्म की शूटिंग सितंबर के आखिरी हफ्ते दे विच शुरू होगी ते मार्च 2022 दे विच पूरी होगी। हॉलीवुड के निर्माता नीलेश पटेल ने दुष्यंत प्रताप नूं हॉलीवुड फिल्म इरैडिकेटेड दे लई साइन किया। बॉलीवुड निर्देशक दुष्यंत प्रताप हुन हॉलीवुड फिल्म इरैडिकेटेड दा निर्देशन करन जा रहे ने। फिल्म दी शूटिंग सितंबर दे आखिरी हफ्ते विच शुरू होके मार्च 2022 विच पूरी होवेगी। हॉलीवुड निर्माता नीलेश पटेल ने हॉलीवुड फिल्म इरैडिकेटेड दे लई दुष्यंत प्रताप नूं साइन कीता है। फिल्म दे निर्माता नीलेश पटेल दे अनुसार हॉलीवुड दी इह फिल्म भारतीय थीम ते आधारित है, पर भाषा अंग्रेजी होवेगी। फिल्म मार्च 2022 दुनिया भर रिलीज की जाएगी। दस दईए कि दुष्यंत ने खुद बॉलीवुड गायक वजो अपना करियर शुरू किया, 21 साल तो शानदार फिल्मों का निर्देशन करते आ रहे ने। वह काम और समय के पाबंद हैं, जिस कारण उन्होंने इस फिल्म लैण का फैसला किया गया है। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜੋਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਗੀਤਾ ਸਕਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਨਵੀਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।